जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और सीधे अयोध्या से आप हमारी ये खास पेशकश देख रहे हैं, क्योंकि मेरे चारों तरफ की तस्वीरें देखकर आपको भी आभास है कि यहां दीपोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। आज एक विश्व कीर्तिमान बनाने की कोशिश है, उसकी तैयारी है यहां पर। और देखिए राम की पैड़ी पर कैसे एक ओर पावन सरयू का जल और दूसरी ओर दीप ही दीप, और दोनों जो तट हैं दोनों पर इसकी तैयारी की गई है। अब से कुछ ही देर में यहाँ पर वो सारे वॉलंटियर्स होंगे जिनका काम है कि इसमें वो तेल डालें और उसके बाद दिए को प्रज्वलन के लिए तैयार रखें। लेकिन आज के आयोजन की शुरुआत एक शोभा यात्रा से की जाएगी, जिसमें अलग अलग रंग नजर आएंगे। आपको दिखाते हैं क्या है दिन भर के लिए तैयारियां। दिवाली पर अयोध्या का अद्भुत अलौकिक रूप, आज राम की नगरी में बनेगा विश्व कीर्तिमान। अयोध्या में दीप जलेंगे, जैसे त्रेता युग में भगवान राम के स्वागत के लिए सजी होगी। भव्य दिवाली मनाने के लिए अयोध्या और अयोध्या वासी सब तैयार हैं। सबकी जुबान पर जय श्री राम है। आज अयोध्या की गलियों में शोभा यात्रा निकलेगी। 3D तकनीक से राम कथा का मंचन होगा। विदेशी कलाकार रामलीला करेंगे। देखिए कैसे सरयू के किनारे राम की पैड़ी पर दियों की पूरी श्रृंखला है। आज रात एक दो नहीं, 551,000 दिए जलाकर पूरी अयोध्या को रोशन किया जाएगा। राम की पैड़ी में मौजूद हैं, जहां पर विश्व कीर्तिमान रचने की तैयारियां आपको पूरी पूरी नजर आएंगी। यहां पर देखिए कि किस तरीके से दीपकों को इस पर रखा गया है। और सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि आप कुछ परिवर्तन देखेंगे पिछले चंद सालों से। वो ये है कि सरयू का जल जब यहाँ पर राम की पैड़ी में आ रहा है, दोनों तरफ के जो घाट हैं उन्हें कितना चौड़ा कर दिया गया है, क्योंकि 551,000 दीपकों का अगर प्रज्वलन करना है, अगर उन्हें प्रज्वलित करना है, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा हिस्सा चाहिए, बहुत ज्यादा क्षेत्र चाहिए। पहले जब पहले साल 1,87,000 दीपकों का रिकॉर्ड यहाँ पर सेट किया गया था, उस समय केवल उस छोर पर था। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बैठ हैं और इन्हीं दीवारों पर यहां पर लेजर शो का आयोजन होता है, तो पहले एक तरफ से दूसरी तरफ देखा जाता था। लेकिन इस बार जब लोग यहां पर आएंगे तो दोनों घाट पर जो लोग रहेंगे वो दोनों इन दीपकों के प्रज्वलन की ऐसी अद्भुत तस्वीर को देख सकेंगे और इसके साथ ही उसका हिस्सा भी बन सकेंगे। सोचिए जब एक साथ लाखों दिए जलेंगे तो अयोध्या का रूप कितना अलौकिक दिखेगा। अलग अलग स्कूल कॉलेज से जुड़े छात्र योगी सरकार के दीपोत्सव को सफल बनाने में कई दिनों से जुटे हैं। घाटों पर दियों की लंबी लंबी कतार बिछ गई है। आज शाम को जब ये जलेंगे तो अयोध्या के साथ देश दुनिया को भी रोशन कर देंगे। क्या है, आप स्टूडेंट्स हैं? IIT फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो यहाँ दीप प्रज्वलन के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं? यस मैम, यस मैम। तो कितने दीपक आपको एक व्यक्ति को जलाने हैं? मैम लगभग 200 दिए, एक बच्चे को जलाने हैं। एक बच्चे को 200 दिए, कितना समय लगेगा? मैम हम लोग का मैम टोटल 588 लड़के हैं, जिसमें 60 मेंटेन करना हवा में, वो बहुत मेंटेन भी करना है। देखिए गिनीज बुक की जो, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे दर्ज होना है, तो उसकी जो टीम है वो यहाँ पर आ गई है और वो ड्रोन से भी नजर रखेंगे आसमान के जरिए, और साथ में यहाँ पर फिजिकल काउंटिंग होगी इन सभी दीपकों की। अब एक बच्चे को अगर 200, आप लोग भी NCC से आए हैं और आप यहाँ पर इसी वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने के लिए आए? यस मैम। तो कितना 200 बनाना है, 200 जलाना है एक को? 200 एक को नहीं चलाना, हम लोग को पूरा एक घाट मिला है, सबको एक एक। आपको पूरा घाट मिला है, यानी सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं? यस मैम। अच्छा, ये देखिए अलग अलग जिम्मेदारियां हैं सबकी, लेकिन ये पूरे दावे के साथ कह रहे हैं ये सब कि अगर 200 दीपों को प्रज्वलित करना है तो उसके लिए मुश्किल से 15 मिनट का समय नहीं लगेगा। लेकिन जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये कि उन्हें जलते रहना चाहिए, यानी एक समय पर 1,00,000, जो 551,000 दीप है उन्हें एक साथ जलते रहना होगा, तभी इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को मान्य माना जाए। आज शाम को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ राम की पैड़ी पर मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी में एक साथ लाखों दिए जलाए जाएंगे। सत्ता में आते ही 2017 से योगी सरकार अयोध्या में भव्य दिवाली मनाती है। अयोध्या को पर्यटक नगरी के रूप में विकसित करने के लिए हर साल दिवाली पर
दीपोत्सव का आयोजन होता है। 2017 में सरयू के किनारे हुए दीपोत्सव में 1,71,000 दिए जलाए गए थे। 2018 में भी 3,00,000 दियों से दिवाली का जश्न मनाया गया और इस बार तो सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 5,51,000 दिए जलाए जाएंगे। अयोध्या के आसमान में उड़ता ये ड्रोन अयोध्या में बनने वाले विश्व कीर्तिमान को रिकॉर्ड करेगा। दिवाली के जश्न के लिए अयोध्या पूरी तरह तैयार है। जय श्री राम की गूंज के साथ अयोध्या में छोटी दिवाली पर बड़ा जश्न होगा। अयोध्या से श्वेता सिंह के साथ बनवीर और कुमार अभिषेक आज तक। बिल्कुल, त्रेता युग जैसी दीपावली मनाई जाती है। यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर जो कि एक पुष्पक विमान की शक्ल में होता है, उसमें से राम सीता लक्ष्मण जी निकलते हैं और फिर उनका राज्याभिषेक यहाँ पर किया जाता है, जो खुद मुख्यमंत्री करते हैं। ये पीछे की जो दीवार आप देख रहे हैं, इस पर लेजर शो चलता है और देखिए पूरी रात निगरानी के लिए यहाँ पर जो गार्ड्स हैं वो खड़े हैं ताकि दियों की जो संख्या है, उनकी जो पंक्तियाँ हैं, उनमें कोई परिवर्तन न आ जाए। बड़ा ही दिलचस्प होता है, जो आपको एकदम प्राचीन से भी प्राचीनतम समय में ये दीपोत्सव ले जाता है। अयोध्या में पहली बार 5,51,000 दिए एक साथ जलेंगे। पहली बार राम की पैड़ी पर सरयू का शुद्ध जल मिलेगा। पहली बार 3D लेजर मैपिंग से संपूर्ण राम कथा बताई जाएगी। अयोध्या के दीपोत्सव में पहली बार जिसके जरिए संपूर्ण राम कथा को आधुनिक तरीके से दिखाया जाएगा। 3D तकनीक की मदद से रामायण का हर किरदार यूं दीवार पर दिखेगा। 15 मिनट में राम कथा का मंचन होगा। सैकड़ों की तादाद में, यूं कहें हजारों की तादाद में लोग यहां पहुंचे हैं दीदार करने की, आखिर ये अयोध्या दिखती कैसी है। और इस मंच पे भी जहां पे कार्यक्रम होना है, यहां भी सैकड़ों की तादाद में लोग जुटे हैं इस अयोध्या को देखने और निहारने के लिए। क्योंकि जो दीपावली है, जो इस बार की दीपावली खास होने वाली है। योगी सरकार की ओर से आयोजित दीपोत्सव को खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। राम कथा पार्क में श्री राम और हनुमान की विशेष प्रतिमा लगाई गई है। दावा है कि फाइबर से बनी ये प्रतिमा 20 सालों तक खराब नहीं होगी। दीपोत्सव में इंडोनेशिया, थाईलैंड, मॉरिशस, नेपाल, सूरीनाम की रामलीला मंडलियां रामलीला का मंचन करेंगी। 30 शैलियों में सांस्कृतिक नृत्य होगा। रामचरितमानस के 11 प्रसंगों की शोभा यात्रा निकलेगी। फिजी की उपसभापति विशेष मेहमान बनकर दिवाली के जश्न का हिस्सा बनेंगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी और केंद्र के कई मंत्री आज अयोध्या में दिवाली मनाएंगे। अयोध्या के विकास से जुड़ी 226 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। शाम को राम कथा पार्क में हेलीकॉप्टर से राम सीता का प्रतीकात्मक अवतरण होगा। इसके बाद राम की पैड़ी पर लाखों दिए जलाए जाएंगे। दीपोत्सव की तैयारियों में जुटे अधिकारियों का कहना है कि पिछली बार के मुकाबले 4 गुना ज्यादा श्रद्धालु दिवाली का जश्न मनाने अयोध्या आएंगे। अयोध्या में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिवाली के बाद सरयू नगरी को सुप्रीम कोर्ट से ऐतिहासिक फैसले का भी इंतजार रहेगा। अयोध्या से श्वेता सिंह के साथ बनवीर और कुमार अभिषेक आज तक। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन अयोध्या की अद्भुत दीपावली जारी है इस ब्रेक के बाद भी। देखते रहिए आज तक। अयोध्या की इस अलौकिक दिवाली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जिस दीपोत्सव का आयोजन होता है, जिसके लिए आप यहाँ पर लाखों दिए हर तट पर देख रहे हैं यहाँ सरयू के, तो इतना समझ लीजिए कि हर साल 2017 के बाद से हर साल एक नया कीर्तिमान रचने का प्रयास होता है। 2017 में पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, उसके बाद पिछली बार एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, अब अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया कीर्तिमान रचने की बारी है। पर फिर इतिहास रचने को तैयार है अयोध्या। एक बार फिर अयोध्या में होगी दमदार दिवाली। दिवाली पर एक बार फिर सबकी नजरें अयोध्या पर टिक गई हैं। अयोध्या में दिवाली के जश्न की चर्चा देश ही नहीं दुनिया में हो रही है। पिछले 2 सालों से अयोध्या में ऐतिहासिक दिवाली मनाने वाली योगी सरकार ने इस बार तो सारे रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी कर ली है। आज शाम अयोध्या में एक साथ 5.5 लाख दिए जलाकर योगी सरकार अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर नया इतिहास रचेगी। 2017 के बाद से अयोध्या की दिवाली को योगी सरकार ने ही इतना रोशन कर दिया है कि अब दिवाली हर साल की तरह इस बार भी अयोध्या के आसमान में पुष्पक विमान रूपी हेलीकॉप्टर उड़ेगा।
जिसमें बैठकर राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुंचेंगे। राम कथा पार्क में उन पर फूलों की वर्षा होगी। खुद योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे। राम, सीता और लक्ष्मण के प्रतीक बने कलाकारों की आरती भी उतारी जाएगी। हम लोग अयोध्या में राम जी की पेड़ी को उसी प्रकार से बनाना चाहते हैं जैसे हरिद्वार में हर जी की पेड़ी है। एक साथ लाखों श्रद्धालु आए और आज जिस अयोध्या में दीपोत्सव का एक कार्यक्रम यहाँ पर सकुशलता संपन्न हो रहा है, इस कार्यक्रम के साथ इसी प्रकार से जोड़ते हुए हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। पिछली बार की तरह इस बार भी सरयू के घाट पर भव्य आरती होगी, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी हिस्सा लेंगे। राम की पैड़ी पर साल दर साल दीप जलाने की क्षमता को योगी सरकार बढ़ाती आ रही है। इस बार तो 5.5 लाख दिए सजाए गए हैं। दीपों की रोशनी से अयोध्या के जगमगाने की ये तस्वीरें पिछले साल की हैं, जब 3 लाख दिए जलाए गए थे। अयोध्या केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आने वाला है। उस मायने से भी इस बार अयोध्या की दिवाली बेहद खास होने वाली है। अयोध्या पर दिवाली के जश्न के दौरान ही योगी आदित्यनाथ यूपी में राम राज्य लाने का ऐलान कर चुके हैं। दिवाली पर ही उन्होंने फैजाबाद जिले का नाम भी बदलकर अयोध्या करने का ऐलान किया था। अयोध्या की पहचान अयोध्या के रूप में ही रहे, कोरिया इस बात का गवाह है। दुनिया के तमाम देशों का प्रतिनिधिमंडल भी यहाँ पर आया है और इसलिए सबसे पहली बात मैं इस प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करता हूँ, आपको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ और मैं आप सबको इस बात के लिए कहना चाहता हूँ कि आज से इस जनपद का नाम भी अब अयोध्या के नाम से जनपद जाना जाएगा। पिछली बार अयोध्या में भव्य दिवाली के जश्न में दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला किम जुंग सुक खास मेहमान बनी थी। अयोध्या में भव्य दिवाली का ये सिलसिला पिछले 2 साल से जारी है। अयोध्या में दिवाली मनाने के बहाने योगी सरकार राम की नगरी का स्वरूप भी धीरे धीरे बदल रही है। अयोध्या को प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। अयोध्या से श्वेता सिंह के साथ बनवीर और कुमार अभिषेक आज तक। हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुकदमे की सबसे लंबी सुनवाई चली है और अब जो अयोध्या वासी हैं उन्हें उम्मीद है, उन्हें आस है कि जल्द से जल्द कोई फैसला आएगा। इस बार जो दीपोत्सव मनाया जा रहा है उसमें उस उम्मीद की किरण आपको साफ साफ उनके जोश में नजर आएगी। इस दिवाली के ठीक बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आना है और कहीं ना कहीं यहाँ जुटने वाले लोगों में उसकी भी प्रतीक्षा दिखाई दे रही है। फैसले की इंतजार है, एकदम शांति भी है, फैसला ही आएगा। बिल्कुल फैसले की प्रतीक्षा है, एकदम फैसले का एकदम इंतजार है, मंदिर बने है, फैसला ही पता है। हम लोग तो मान ये रहे हैं कि रिजल्ट बहुत सगुन बढ़िया आ रहा है, फैसला आने वाला। हम लोग बैठे हैं प्रतीक्षा में, जल्दी आ जाए, श्री राम जी की कृपा हो जाए। हाँ, आ जाएगा। सरयू के किनारे राम भजन गाए जा रहे हैं। राम भक्त इस आस में है कि दिवाली के बाद राम मंदिर का वनवास खत्म हो जाए। ये अवध की नगरी है और अवध अयोध्या के सरयू के किनारे हम मौजूद हैं। सरयू के किनारे का ये दृश्य आप देख सकते हैं जहाँ पर तैयारी है दीपोत्सव की और उसी के लिए इस किनारे को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। जब लाखों की तादाद में लोग यहाँ जुटेंगे दीपोत्सव में उसकी ये तैयारी है। लेकिन जो अवध की पहचान है, यहाँ दूर दूर से लोग श्रद्धालु सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो अयोध्या को देख सकें, कहीं गीत कहीं भजन, यही इसकी पहचान है। हाल ही में गोरखपुर में राम कथा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने ये कहकर खलबली मचा दी थी कि जल्द ही यूपी को खुशखबरी मिलेगी। राम कथा के मौके पर योगी आदित्यनाथ के इस बयान को राम मंदिर से जोड़कर देखा गया। मर्यादा के साथ और अनुशासन के साथ भगवान राम के जीवन के विभिन्न पहलुओं से प्रेरणा प्राप्त करके न केवल अपने जीवन के लिए अपितु सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में भी अपना योगदान देंगे।
हम सब का विश्वास है कि भगवान राम की इसी शक्ति ने, कि चूंकि सारे साक्ष हमारे पास हैं कि प्रभु श्री राम की जन्मस्थली वहीं पर है, इसलिए हमारे ही पक्ष में फैसला होगा, या आम आदमी को विश्वास है और जल्दी ही भव्य राम का मंदिर का निर्माण शुरू हो जाए। मौका और माहौल को देखते हुए उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज भी दिसंबर तक राम मंदिर बनने का दावा कर चुके हैं। जिस तरह से पुरातत्व विभाग ने अपने तथ्य उपस्थित किए हैं, सिया संप्रदाय के अध्यक्ष सिया बकपोर ने लिख के दिया है कि राम मंदिर बनना चाहिए, और चलते चलते सुन्नी बकपोर ने भी कह दिया, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही राम मंदिर के पक्ष में निर्णय आएगा और 6 दिसंबर से पहले अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनना प्रारंभ हो जाएगा। दिवाली पर एक बार सबके जुबान पर राम का नाम है, सारी नजरें अयोध्या पर हैं। अयोध्या से श्वेता सिंह के साथ उन्नाव से विशाल आज तक। अदालत में मामला चलता रहा, अयोध्या में विवाद रहा, इस कारण जो सबसे बड़ा खामियाजा था वो यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर विकास कार्य जो रहा वो हमेशा एक बैक सीट पर ही रहा। पर जो योजना है कि यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, वो आपको सड़कों पर भी नज़र आएगा, वो आपको यहाँ की जो ऐतिहासिक विरासत की इमारतें हैं वहाँ पर भी नज़र आएगा, मंदिरों में भी नज़र आएगा। किस तरीके से अयोध्या का कायाकल्प किया गया है वो आपको दिखाते हैं। सत्ता संभालते ही योगी सरकार ने पहले ही साल अयोध्या में भव्य दिवाली का खाका खींच दिया। अयोध्या में दिवाली पर नए कीर्तिमान स्थापित होने लगे। सरयू किनारे बसी राम की नगरी को योगी आदित्यनाथ पर्यटक नगरी बनाने का ख्वाब दिखा चुके हैं। दीपोत्सव के मौके पर विदेशी मेहमानों की मौजूदगी से अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान देने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। योगी सरकार के एजेंडे के केंद्र में अयोध्या का विकास है। राजर्षि दशरथ के नाम पर इस मेडिकल कॉलेज का नाम हो गया। आज जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में दिवाली मनाएंगे तो राम की इस नगरी के लिए वो करोड़ों की सौगात के द्वार खोल देंगे। अयोध्या को विश्व स्तरीय सिटी बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ आज करीब 15 योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। अयोध्या में मेडिकल कॉलेज, राम की पैड़ी में अविरल जल प्रवाह, गुप्तार घाट पर नए घाट का निर्माण, भजन संध्या स्थल का निर्माण, 100 बेड का मेटर्निटी सेंटर, हनुमान गढ़ी पर एंट्री और एग्जिट गेट शेड का निर्माण, अमानीगंज में किसान कल्याण केंद्र जैसी कई योजनाएं आज अयोध्या के विकास का हिस्सा बन जाएंगी। हम लोग अयोध्या में राम जी की पेड़ी को उसी प्रकार से बनाना चाहते हैं जैसे हरिद्वार में हरि जी की पेड़ी है। एक साथ लाखों श्रद्धालु आए और आज जिस अयोध्या में दीपोत्सव का एक कार्यक्रम यहाँ पर सकुशलता संपन्न हो रहा है, इस कार्यक्रम के साथ इसी प्रकार से जोड़ते हुए हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। अयोध्या के विकास को लेकर खुद योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला हुआ है। यूपी के मुख्यमंत्री का दावा है कि अयोध्या से निकलकर ही राम राज्य की बयार यूपी में फैलेगी। इसी साल योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में श्री राम की 7 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। तुलसी शोल संस्थान में लगी काठ की ये मूर्ति देखने में बेहद भव्य है। योगी आदित्यनाथ अयोध्या में श्री राम की सबसे ऊंची मूर्ति लगवाने का भी ऐलान कर चुके हैं। ये मूर्ति 221 मीटर ऊंची होगी जो सरयू तट पर लगेगी। मूर्ति के साथ अत्याधुनिक संग्रहालय भी बनाया जाएगा जिसमें श्री राम से जुड़ा पूरा इतिहास होगा। साफ है अयोध्या का विकास योगी सरकार की प्राथमिकताओं में है। कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक। 5 अलग अलग देशों की रामलीला की जो शैलियां होती हैं उनका मंचन यहां पर किया जाएगा। अगर आप दीपों को देखें तो केवल पंक्तिबद्ध आपको नहीं दिखेंगे बल्कि यहां पर
ठीक मेरे पीछे ये राम दरबार का चित्रण किया गया है, यानी यहाँ पर आकृति श्री राम की भी है, हनुमान जी की भी है। हाँ, जब दीपक प्रज्वलित होंगे और आसमान से वो तस्वीरें ली जाएंगी तो वो ज़्यादा स्पष्ट आएगा। लेकिन इस सब के बीच कृष्ण लीला का भी कैसे नज़ारा मिलेगा, कैसे दृश्य मिलेगा लोगों को, वो दिखाते हैं। 5,51,000 दियों से जगमगा उठेगा अयोध्या। क्या कहते हैं, डांस का और मन कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। यहाँ पर हमें प्रस्तुति देते हुए श्री कृष्ण लीला करते हुए अपने मथुरा के कन्हैया जी को यहाँ पर और अच्छे से प्रस्तुत करते हुए। अयोध्या में मंच कुर्सियाँ सब तैयार हैं। गुरुवार से ही दीपोत्सव शुरू हो गया है, आज आखिरी दिन है। छोटी दिवाली पर अयोध्या में बड़ा जश्न है। अयोध्या से श्वेता सिंह के साथ कुमार अभिषेक, आज तक। दिन भर अयोध्या की दीपावली का हर अद्भुत रंग आपको देखने को मिलेगा सिर्फ आज तक पर। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।